Bismillahirrahmanirrahim. Today is 16 December 2020 and the day is Wednesday. Now we are going to start our maths class. Grade 3, open your maths book, page number 80. Question number 2. Page number 80, question number 2. Nora puts 39 apples equally into 4 baskets. Nora puts 39 apples equally into 4 baskets. Nora ne jo hai put kiye 39 apples ko equally 4 baskets mein. Nora ne 39 apples ko 4 baskets mein equally put ki. ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्यूशन. ठीक है, ओके. अब आप लोगों ने मुझे आंसर्स बताने, बिल्कुल सही से करेक्ट बताइएगा. ठीक है, अच्छा 39 एप्पल्स हैं. ठीक है, नौरा ने उनको 4 बास्केट्स में पुट किए. अब आप मुझे बता सकते हैं कि एक बास्केट में कितने एप्पल्स हैं? 9. गुड, वेरी गुड. एक बास्केट में कितने एप्पल्स हैं? एक बास्केट में कितने एप्पल्स हैं? 9. वेरी गुड, 9 एप्पल्स. 9 apples in one basket. और 4 जो है 4 थे, कितने 4 baskets में उसने 9 apples को किए. ठीक है, तो हमारा जो है 39 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 39 4 में 36 जो है वो 9 के टेबल में 4 जाता है. 39. जरा सॉल्व करें आप लोग. सेम टाइम आता है. नहीं तो सॉल्व तो करें, आपने गलत कर रहे हैं ना आप लोग. चले मैं आप लोग को अपना एक व्हाइट बोर्ड नहीं आता ना. वेरी गुड, हाँ. अब मैं आपको अपना व्हाइट बोर्ड यूज कर रही हूँ और सब बच्चे मेरा व्हाइट बोर्ड देखेगा जरा. क्यों, आप लोग मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे घर पे? मुझे ये वाला ना दिया था. ओके, कोई मसला नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से. मैं आपसे रोज कहती हूँ आप लोग मैथ्स की प्रैक्टिस किया करें, आप लोग क्यों नहीं करते? बताएं मुझे जरा. मिस अरिबा मुझे करवाती है. अच्छा, अरिबा आप ही करवाती हैं आपको. अच्छा, हम दोबारा से, हमारा पेज नंबर कौन सा है बुक का? पेज नंबर 80. हमारा पेज नंबर है 80. ध्यान से देखिएगा सब बच्चे. क्वेश्चन नंबर 2 है. ठीक है, नौरा पुट्स 39 एप्पल्स इक्वली इनटू 4 बास्केट. नौरा ने 39 एप्पल्स को इक्वली 4 बास्केट्स में पुट किए. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 39 डिवाइडेड बाय 4. इसे लिखना है ना, 39 डिवाइडेड बाय 4. मैंने अंदर किया, पहले समझ ले बेटे आप लोग. 39 को मैंने अंदर बॉक्स में लिखा, 4 को मैंने बाहर लिखा. अब मैं पढ़ूंगी 4 का टेबल. मैं किसका टेबल रिसाइट करूंगी? 4 का टेबल रिसाइट करके मैं देखूंगी कि 4 के टेबल में 39 आता है कि नहीं आता है. आप मुझे बताएं. नहीं आता. नहीं आता तो मैं क्या करूंगी, बताएं जरा. वेरी गुड रुकैया, 4 9 36. क्या है 4 9 36? 4 के टेबल में 39 नहीं आता था तो मैंने क्या किया, मैंने जो है उससे छोटा नंबर ले लिया. उसके करीब का नंबर 36 आता था, 4 9 36 कर लिया मैंने. ठीक है, सॉरी ये गलत जरा वो हो गया. सही, अब जो है क्या नाम है, 4 9 क्या आता है, 36 आता है. ठीक है, तो मैंने 4 9 36 कर लिया. अब जो है मैं क्या करूंगी आगे बताएं जरा, कौन क्या कौन बताएगा मुझे? मैं 39 में 36 माइनस करेंगे. कितना रिमाइंडर आएगा हमारा, बताएं जरा. बताएं कितना रिमाइंडर आएगा. 3. गुड, वेरी गुड. हमारा रिमाइंडर कितना आएगा?
थ्री आंसर हमने जो है फोर का टेबल पूरा रिसाइट किया, फोर के टेबल में जो है 39 नहीं आता था, हमने क्या किया, हमने उसे करीब का नंबर 36 ले लिया, 4 9 36। अब मैं इसको माइनस करूंगी, तो मैंने 39 में 36 माइनस किए, मेरे कितने बचे, मेरे थ्री आंसर आएगा। गुड, अब मेरे बताएं कितने एप्पल्स बचे हुए हैं, मेरे कितने एप्पल्स जो है बास्केट से बाहर पड़े हुए हैं, गुड, थ्री एप्पल्स बास्केट से बाहर हैं। तो अब मैं नीचे इसको बॉक्स में आप लिखना स्टार्ट करें जल्दी से, 39 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 9। 9 हमारा क्या है, 9 हमारा क्वेश्चन, 9 हमारा क्वेश्चन है, 3 हमारा क्या है बताएं जरा, मीटर। और बताएं, और भी मैंने और भी मैंने दो बातें बहुत अच्छी से बताई थी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड, और इसको क्या कहते हैं हम जो ये आभार नंबर हमारे लिखा है, डिविजर, 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 ये हमारा डिविजर है, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा क्वोशेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, थ्री हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, डन, सबका डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस जी बोले, मिस 39 बाय डिवाइड बाय 4 एज थर्ड मिस, देयर आर 9 एप्पल्स ना, देयर आर 9 एप्पल्स इन ईच बास्केट, वेरी गुड, स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, देयर आर 9 एप्पल्स इन ईच बास्केट, हर बास्केट में कितने एप्पल्स रखे हुए, 9 एप्पल्स रखे हुए, और कितने एप्पल्स लेफ्ट है हमारे, गुड, 3 एप्पल्स आर लेफ्ट, देयर आर 9 एप्पल्स इन ईच बास्केट, हर बास्केट में 9 एप्पल्स है, 3 एप्पल्स जो है वो लेफ्ट है, 3 एप्पल्स जो है हमारे रह गए हैं, क्योंकि हमने इक्वली हमने उसको जो है 39 एप्पल्स को हमने इक्वली जब हमने 4 बास्केट्स में उसको डिवाइड किया, तो क्या आया हमारा आंसर, नाइन गया, नाइन हमारा क्वेश्चन है, थ्री हमारा रिमाइंडर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन 3, हाँ 3 हम सॉल्व करेंगे, ओके, 3 का क्वेश्चन, इसमें अंदर डाल भाई जैसे आपने बोर्ड बनाया, मैंने बुक में ही बना लिया साइड, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, सही, वेरी गुड मुर्कैया, ओके, मैं से आप पहले उनसे पूछने कर लिया तो अभी हम मिटा दें, मेरी आवाज रुक रही है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें, यस यस, 67 चिल्ड्रन आर गोइंग फॉर अ स्कूल ट्रिप बाय मिनी वैन, ईच मिनी वैन कैन सीट 8 चिल्ड्रन, अच्छा अब हम इसमें क्या करेंगे, जरा कौन बताएगा मुझे, मुस्कान बताएंगी, मैं डिवाइड करेंगे, 67 करेंगे। अच्छा कितने चिल्ड्रन से जो ट्रिप पे जा रहे थे मिनी वैन में, 67 और जो मिनी वैन थी उसकी सीट्स कितनी थी, 8 ओके, अब हम करेंगे इसको डिवाइड, 67 नहीं आता पूरा, 8 मिस 8 के टेबल में 67 नहीं आता, फिर हम क्या करेंगे, 64 आता है, 64 आता है तो 64 को करेंगे, 8 8 64, सही कह रहे हैं सुभान, रुकैया रुकैया, वेरी गुड सुभान, वेरी गुड, 8 8 8 8 माइनस करेंगे अब, आंसर 3 आएगा, आंसर 3, बोल बोल, मिस आंसर 3 आएगा, मिस आंसर 3 आएगा, 7 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 मिस 3, अब मुझे बताएं सुभान इसमें हमारा क्या होगा, किसको हम क्या कहेंगे, टीचर 3 को रिमाइंडर,
और एट हमारा क्या है? क्वेश्चन. वेरी गुड. सबको समझ आया मैथ्स का ये वाला टॉपिक? आसान है. अच्छा, इसका मतलब है एक दिन किसी दिन भी सरप्राइज टेस्ट ले लिया जाए आप लोगों का. हाँ, व्हाट डू यू थिंक? होना चाहिए सरप्राइज टेस्ट. चलें सब करें, सब बच्चे कंप्लीट करें. द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, और नीचे बॉक्स में जो स्टेटमेंट आएगा उसमें चिल्ड्रन इसके बराबर में क्या आएगा? हाँ, एट. चलें स्टार्ट करें, जल्दी कंप्लीट करें. मिस आई एडेड मार लिखेंगे. डन. यस यस. मिस 67 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 8 रिमाइंडर है 3 रिमाइंडर है 8 क्वेश्चन है. 67 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 8 रिमाइंडर 3. ओके, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं अपना. बहुत इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन भी. अहमद हैज $46. आप देख रहे हैं आपकी बुक में जो है ना, एक मैं आपको आज बताती हूँ, रुक जाए आप. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा. क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें ये वाला एक साइन है, यू बना हुआ है. इसको क्या कहते हैं? किसी को पता है इसको क्या कहते हैं? हाँ, ना. इसे कहते हैं डॉलर. डॉलर 46. क्या पढ़ेंगे इसको? डॉलर 46. अच्छा, अहमद हैज डॉलर 46. ही वांट्स टू बाय सम चॉकलेट. अहमद के पास जो है डॉलर है 46 का, सही है. उसे क्या करना है? टू बाय सम चॉकलेट बार्स. उसे क्या बाय करने? उसे कुछ चॉकलेट बार बाय करने. ठीक है, सही है. वो क्या करेगा? अब हम इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमें डॉलर कहते हैं इसको. ये कौन इतना शोर कर रहे हैं? प्लीज इस तरह नहीं बात करें. अच्छा, अब हम करेंगे 46 डिवाइडेड बाय 46. हम ये देखेंगे हमारे 6 के टेबल में 46 आता है कि नहीं आता है. मैं 46 नहीं आता, इसलिए मैं हम 42 नंबर लेंगे. वेरी गुड. सिर्फ मलिया, ओ रुक, मलिया नहीं नजर आ रही. Yes, 6 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है? नहीं आता. 6, 7, 42. 6 के टेबल में 46 नहीं आता, तो हम 42 छोटा नंबर लेंगे ना उससे करीब का. हाँ, कितने टाइम्स आता है 42? 7. 42 7 टाइम आता है ना. 7 टाइम. 6, 7 से क्या आता है? 42. यहाँ पे कौन सी साइन लगेगी? माइनस. अच्छा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4. कहाँ लिखेंगे हम? नीचे. गुड, वेरी गुड. अब इसे कंप्लीट करें बुक में, खुद ही जहाँ जहाँ लिखना है. The greatest. और नीचे स्टेटमेंट को भी कंप्लीट बना लो ना जी. उसका स्टेटमेंट भी कंप्लीट करना है जो नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है. ठीक है, नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स अहमद 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 लिखा है 4. अच्छा, मुझे अब ये बताएं, आप लोगों सबको समझ आया? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? नो. अच्छा, तो मैं 2 सम्स दे दूं, आप लोग खुद करेंगे. ठीक है, मैं आपको 2 सम्स दे रही हूँ, आपने खुद सॉल्व करने हैं. ठीक, कॉपी में करना है, कॉपी में करना है. ओपन योर क्लास ऑफ कॉपी.
लिया मिस पूरी पूरा ना कॉपी में करने बेटे कॉपी में मैं अभी जो समझे वो करने हैं कॉपी में ठीक है अनस अभी अभी आपको दे रही हूँ सम्स टू सम्स दे रही हूँ आपने खुद करने हैं मैं जो आपने जो क्वेश्चन वन दिया था ना पेज नंबर 80 में तो मिस मैंने वो वाला क्वेश्चन तो कर लिया लेकिन मिस उस पेज पर टेबल नहीं आ रही इसलिए मैंने अगले पेज पर जो ना 7 और 9 का टेबल लिख लिया तो कहिए मेरी बात सुने जब हम सॉल्व करते हैं ना तो रफ वर्क भी उसी पेज पे बनाते हैं जिस सम्स को हम सॉल्यूशन दे रहे होते हैं जिस सम्स का हम सॉल्यूशन कर रहे होते ना उसी पेज पे बेटे रफ वर्क भी बनाते हैं ताकि चीजें क्लियर हो अब मुझे तो आप बता रहे हो आपने सही किया होगा ठीक है लेकिन आप पता है ज्यादा बेटर यही तरीका होता है जिस पेज पे हम वर्किंग अपनी कर रहे हैं ना सॉल्यूशन कर रहे हैं आप वर्किंग करते हैं ना सम्स की तो हम रफ वर्क भी उसी पेज पे बना दे ठीक है नेक्स्ट टाइम आप उसी पेज पे वर्किंग करना और उसी पेज पे रफ वर्क भी बनाना ठीक है बेटे सही हाँ जी ये कॉपी में करेंगे आप लोग ओके आपने दो सम्स करने 16 डिवाइडेड बाय 10 सेकंड है 15 डिवाइडेड बाय 10 ये आपने खुद से करना है डू इट योरसेल्फ ओके कोई प्रॉब्लम अगर किसी को अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई आप मुझे बोल सकती हैं मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ कोई मसला है अनस रुकैया मलीहा मुस्कान डिवाइडेड बाय 2 है जी बेटे 2 है आप हर सॉल्यूशन हर वर्किंग के साथ रफ वर्क जरूर बनाएंगे जो तरीका मैंने आपको बताया उसी पैटर्न पे आप सम सॉल्व करेंगे ठीक है यस मैं वो क्वेश्चन वन बाय मैंने आदि भाभी ने मुझे इसी तरीके से करवाया जी मैं मुझे भी खुद भी समझ आ गया जिस तरीके से आप समझाती हूं वैसे जी 10 के लिए जी रफक बनाएंगे हम कुछ भी नहीं बचा ठीक है कॉन्स्टेंट रिमाइंडर 0 सही है अब यहाँ पे 6 का टाइम लिया 10 का टाइम लिया 6 का टाइम लिया किसी तरह भी बेटा आप लोग मेरी बात सुन लें बेटा मैं सुभान की अम्मी इसको टेस्ट बता रही हूँ I'm leaving now. ठीक है सही अपना ख्याल रखिएगा हम कल मिलेंगे ठीक है इंशाल्लाह सही है इस वर्क को आप लोग कॉपी में कीजिएगा ठीक है क्लास वर्क कॉपी में अल्लाह हाफिज़